कुछ भी याद नहीं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सेंसरी एरिया में कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, लेकिन इसे सीधी सादी हिंदुस्तानी में क्या कहेंगे डॉक्टर? मतलब ये कि दवा इलाज से कुछ नहीं होगा, याददाश्त खुद बखुद आएगी। पर कब आएगी डॉक्टर? समझदार को इशारा काफी, कोई ना कोई तरकीब तो होगी। इंतजार के सिवा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, सुना है कि इलेक्ट्रिक शॉक से तो पागल भी ठीक हो जाते हैं। ये आदमी पागल नहीं है, इसे अगर और इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया तो ये मर भी सकता है। तो मर जाने दीजिए। What? इस आदमी के पास एक बहुत कीमती सरकारी राज है डॉक्टर। अगर इसकी याददाश्त वापस नहीं आई तो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है, और इलाज में अगर मर भी गया तो। सॉरी इंस्पेक्टर, मेरे लिए गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया एक बेगुनाह की जान लेने की वजह नहीं बन सकता। एंड यू कैन गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ। समझदार को इशारा काफी। नाली का कीड़ा मखमल की टिप्पिया में रहने के ख्वाब देख रहा है। वो समझता है अविनाश से हमारे राज हासिल करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बेवकूफ, ये नहीं जानता कि हम इस खेल के कितने पुराने खिलाड़ी हैं। राजन ने गलत आदमी को ललकारा है। सपना, एक बात कहूं सपना, बुरा मत मानना। मैं देख रही हूं कि जब से अविनाश सुमित को लेकर गया है तुम रोती ही जा रही हो। तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता सपना। क्या अविनाश तो वो लड़का नहीं जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी और उसने किसी और से शादी कर ली? बेचारा, याददाश्त तो खोई ही थी, तुम जैसी लड़की भी खो बैठा। क्या अविनाश अपनी याददाश्त क्या तुम नहीं जानती? नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उस पुलिस वाले की बातें सुनी थी, वो अविनाश से उसकी पत्नी के बारे में कुछ कह रहा था। तो क्या अविनाश को अपनी पत्नी भी याद नहीं थी? अगर होती तो वो इंस्पेक्टर से क्यों पूछता? तो फिर ये शादी हुई कब? गायब होने से एक दिन पहले तो वो मुझसे मिला था, हम लोग अपनी शादी के बारे में बात कर रहे थे, और फिर हो सकता है याददाश्त खोने के बाद इस लड़की से मिला हो। तब तो उसे सब कुछ याद होना चाहिए। आदमी पास भूल सकता है, प्रेजेंट नहीं। वो भले ही मुझे भूल गया हो, लेकिन अलका को कैसे भूल सकता है? हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है। इसका मतलब है अविनाश को किसी जाल में फंसाया गया है और वो बिल्कुल अकेला है। मुझे कुछ करना होगा। हेलो, आप यहाँ कैसे? मरीज डॉक्टर को भूल सकता है, लेकिन डॉक्टर मरीज का ध्यान ना रखे, ये कैसे हो सकता है? आपका मतलब सुमित कैसा है? सुमित बिल्कुल ठीक है। ये आप कैसे कह सकती हैं? कई बीमारियां दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर ही अंदर खत्म कर देती हैं। सुमित ठीक है डॉक्टर, मैं उसके हर बात का ख्याल रखती हूँ। वो तो रखना ही चाहिए, बड़ी भाभी माँ के बराबर जो होती है। लेकिन सुमित है कहाँ? मैं उसे जरा चेकअप कर लूँ तो। डॉक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं। अलका, ऐसे भी तो कोई बात नहीं कि डॉक्टर चेकअप ना करें। आइए।
इसे मुझे दीजिए। नहीं जी, मैं आइए। हाय दोस्त, हाउ आर यू? अस्पताल से घर आना कैसा लगा? वैसे खाने पीने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे? अच्छा जरा देखें तो, एक्सरसाइज वगैरह बराबर कर रहे हो ना? सचमुच लगता है आपने बहुत देखभाल की है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। अच्छा आप मुझे जरा गर्म पानी ला देंगे? मुझे इंजेक्शन देना है। जी। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे डेटॉल भी चाहिए होगा, अगर आप अभी लेकर आए। सुमित, अविनाश खतरे में है, उसकी याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ याद नहीं है, मैं और तुम भी याद नहीं है। लगता है कुछ लोग उसकी याददाश्त जाने का फायदा उठाना चाहते हैं, उसे फंसाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है ये अलका भी उनके साथ है। सुमित, मेरा यहाँ रुक जाना बहुत जरूरी है, अविनाश की जिंदगी का सवाल है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, फॉलो करोगे ना? ये लीजिए गर्म पानी और डेटॉल। थैंक यू। आप जरा इसका सर पकड़ लीजिए, शरीर तो हिलता नहीं लेकिन सर बहुत हिलाता है। सुमित क्या होना है तुम्हें? इंजेक्शन से डर रहा होगा। लेकिन डरने की क्या बात है? सुमित तुम ठीक तो हो ना? सुमित छोड़ दो मुझे, सुमित छोड़ दो मुझे। ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रही हैं आप? इसकी नर्स तो पहले से इतनी कमजोर है और आपने, ओह माय गॉड, ये क्या किया आपने? क्या हुआ डॉक्टर, क्या हो गया इसे? इसे दौरा पड़ रहा है। दौरा? हाँ, बहुत ही खतरनाक दौरा है, इसमें सबसे पहले आंखें चढ़ जाती हैं। अरे इसकी तो आंखें चढ़ गई, उसके बाद मुंह में से खून निकलने लगता है। अरे भगवान, देखो मुझे खून भी निकलने लगा। भगवान ना करे इसे कुछ हो गया तो ये पुलिस केस हो जाएगा। पुलिस केस? और नहीं तो क्या, आपको इस तरह मारने की क्या जरूरत थी? भूल हो गई डॉक्टर, आप कुछ कीजिए ना। फोन कहाँ है? एम्बुलेंस चाहिए, मैं बुला देती हूँ। एम्बुलेंस नहीं, पुलिस। पुलिस? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? कमाल करती हैं आप, यहाँ जुल्म हो रहा है और आप कहती हैं पुलिस की क्या जरूरत है? ये बहस का वक्त नहीं है डॉक्टर, इसे कोई दवा दीजिए। दवा? इसकी कोई दवा नहीं है, बस एक ही तरीका है कि हर वक्त एक डॉक्टर इसके पास रहे, हो सकता है दो चार दिन में दौरा खत्म हो जाए। अच्छा मैं चलती हूँ। डॉक्टर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक सुमित ठीक ना हो जाए आप यहाँ से मत जाइए। आप जो मांगेंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, 10,000, 50,000, 60,000 जो चाहिए। क्या आप मुझे पैसे का लालची समझते हैं? मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी। प्लीज प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत कीजिए, हमारा नहीं, इस अपाहिज बच्चे के लिए। इमोशनल ब्लैकमेल? ठीक है, जो कुछ सुमित ने किया है उसे देखकर मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, मैं रुक जाऊंगी। आप लोग जरा बाहर जाएंगे? थैंक यू डॉक्टर। दरवाजा बंद कर दीजिए। बस बस बस, बहुत हो गया, वैसे मान गए गुरु। क्या वो कोई चूहा है जो खड्डे में घुस जाता है और फिर कभी नहीं मिलता है? हमारे आदमी उसे चारों तरफ से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से काम नहीं चलेगा प्रताप, तुम झूठे हो। तुमने कहा था कि अविनाश मर चुका है, तो वो दोबारा कहाँ से पैदा हो गया? और वो अगर वापस आ सकता है तो वो फिल्म भी वापस आ सकती है, और फिर मुझको इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और उसका मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो। उसका मतलब ये है सैम कि यू आर ए ब्लडी फूल। व्हाट डू यू मीन यू? शट अप यू बास्टर्ड एंड लिसन टू मी प्रॉपर्ली। उस वीडियो फिल्म पर हमारा सारा प्लान है, यहाँ हमारा कैंप है, मैं हूँ, तुम हो, और अगर वही रिपोर्ट तुम्हारी गवर्नमेंट तक पहुंची तो मेरे साथ साथ तुम भी, समझे? नाउ कीप योर माउथ शट और चुपचाप मुझे पैसे भेजते रहो, और मुझे धमकाने की बजाय मेरी मदद करो। मुजफ्फर की भेजी हुई लड़की आग में जलकर खाक हो गई, लेकिन वो आग हमने नहीं लगाई, वो कौन हो सकता है? प्रताप, डॉक्टर सपना और अविनाश का छोटा भाई दोनों गायब हैं और उनका कोई पता नहीं। पता लग जाएगा, we'll find those bastards. तुम एक काम करो, तमाम हॉस्पिटल्स और केमिस्ट की दुकानों पर कड़ी नजर रखो, उन आराम साधों को अपने बाज भाई के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, समझे? क्या रिपोर्ट है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। समझदार को इशारा काफी, तुम्हें अंदाजा नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट पर गवर्नमेंट का कितना बड़ा प्रेशर है। वो फिल्म एक कीमती सरकारी राज है, अगर वो फिल्म न मिली तो एटम बम से भी बड़ा धमाका हो सकता है।
कुछ भी करो, कैसे भी करो, उसकी याददाश्त वापस लाओ। और अगर तुम फेल हो गई तो फिर हमें अपनी कोशिश करनी पड़ेगी, और हमारी कोशिश से हो सकता है कि वो मर जाए, और अगर वो मर गया तो न जाने किस किस की मौत होगी। समझदार को इशारा काफी। और गुस्से में आकर महर्षि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसके ध्यान में तुम बैठी हो वही तुम्हें भूल जाएगा। और फिर वो, मैंने सारा घर ढूंढ लिया और तुम यहाँ बैठे हो। क्या बात? जानते हो कितने बजे हैं? 11। चलो ना, बहुत नींद आ रही है। सपना कहानी सुना रही है। तुम कोई बच्चे थोड़ी हो जिसे कहानियाँ सुनाई जाए, और फिर सुमित के लिए भी ज्यादा देर जागना ठीक नहीं है, है ना डॉक्टर? हाँ। तो फिर तुम भी सो जाओ, चले चलो बाबा। गुड नाइट। आओ मैं तुम्हारे सर में मालिश कर दूं। अभी तुम मुझसे दूर क्यों भागते रहते हो? तो अभी एक पति महीनों बाद अपनी पत्नी से मिले और उसके पास बैठने के बजाय आधी आधी रात तक कहानियां सुनता रहे तो पत्नी क्या सोचेगी? मेरी समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए। ये क्या कर रही हो? जो हर पत्नी को करना चाहिए। हिम्मत मत हारो अभी, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें सब याद आ जाएगा। याद करो उन सुहानी शामों को जब तुम्हारे रोम रोम में प्यार बसा करता था। याद करो अभी। याद। नहीं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं याद आता। याद करो अभी, प्लीज याद करो, तुम्हारे लिए, मेरे लिए याद करने की कोशिश करो अभी। वो फिल्म कहाँ है? वो फिल्म कहाँ है अभी? हाँ, वो फिल्म जिसकी रहन साहब की जान जा सकती है, कहाँ रखी है तुमने वो फिल्म? याद करो अभी, याद करो कहाँ रखी है वो फिल्म? मुझे कुछ याद नहीं। याद करो अभी, वो फिल्म, वो फोटोज, वो तस्वीरें, याद करो अभी, याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आता, मुझे कुछ याद नहीं आता। याद करो अभी। मुझे कुछ याद नहीं आता। याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आता। याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आता। याद करो अभी। मुझे कुछ याद नहीं आता। रुको मत, याद करो अभी, रुको मत अभी, याद करो प्लीज अभी। सर फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं अभी, याद करो प्लीज, याद करो वो फिल्म अभी, वो फिल्म। अलका पागल हो गई है तुम? अविनाश बीमार है, तुम इस तरह जोर डालोगी तो ये मर भी सकता है। शट अप सपना, तुम सुमित की डॉक्टर हो, इस घर की नहीं। लेकिन डॉक्टर तो हो, इस तरह गलत इलाज होता है वो कैसे देख सकती हो? तो चली जाओ यहाँ से, ये अस्पताल नहीं मेरा घर है। तो ठीक है, मैं कल सुमित और अविनाश को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती हूँ। नहीं सपना, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, तुम यहीं रहो, इन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ, इन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ प्लीज। जब तक वो डॉक्टर यहाँ है कुछ नहीं हो सकता, हर बात में अपनी टांग अड़ाती रहती है। अरे समझदार को इशारा काफी, उसे चलता करो यहाँ से। वो भी तो नहीं कर सकती, वो बदमाश सुमित सपना के जाते ही अपना नाटक शुरू कर देता है, मैं करूं तो क्या करूं? जल्दी करो अलका, तुम्हारे पति का केस ज्यादा दिनों तक दबा नहीं रह सकता। सब कुछ तो कर रही हूँ, मुझे एक बार दीपक से मिल लेने दो। लेकिन इतना जल्दी कैसे हो सकता है, किसी ने देख लिया तो? प्लीज। तो ठीक है, मैं जेलर को फोन कर दूंगा, कल सवेरे तुम चली जाना। लेकिन अलका, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी इज्जत। मुझ पे भरोसा करो दीपक, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने प्यार को और अपने सुहाग को बचाने के लिए ही कर रही हूँ। लेकिन अलका, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी। ये कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी दीपक, और कोई रास्ता नहीं। सपना, पत्नी बनने का इतना ही शौक था तो बाजार में बैठ जाती, हर रात एक नया पति मिल जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो आज मैं तुझसे पूछूंगी बेशरम, बता अविनाश ने ऐसा क्या किया था जो तूने हमारी मोहब्बत को अपने मकारी की भेंट चढ़ा दिया? सपना मेरी बात तो सुनो। जरूर सुनूंगी, मगर अभी नहीं, अविनाश के सामने।
वो भी तो सुने कि उसके नाम का सिंदूर अपने मांग में सजाने वाली पतिव्रता देवी का एक और पति जेल में भी है। नहीं सपना प्लीज, मैं तुम्हारे आके हाथ जोड़ती हूँ, अविनाश से कुछ मत कहना, नहीं तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी, मेरा सुहाग मुझसे छिन जाएगा सपना। कौन सा सुहाग, अविनाश या दीपक? दीपक, दीपक ही मेरा पति है, मेरा अविनाश के साथ कोई संबंध नहीं। तो फिर तुमने ये नाटक क्यों किया? बताती हूँ, दीपक की और मेरी कहानी आश्रम और चिल्ड्रंस होम की अंधेरी कोठरियों से शुरू हुई। हम दोनों ही अनाथ थे, लेकिन एक दूसरे को पाकर हमने दुनिया पा ली थी। हम हनीमून मनाने इस शहर में आए और एक दिन उस होटल में गए जहां अविनाश गाया करता था। ये खूनी है क्या? मैंने किसी को खून नहीं किया। अरे कमाल, आप क्या बकवास करते हैं? मैंने किसी को खून नहीं किया। अरे आपको कमाल कर रहे, मैंने किसी को खून नहीं किया। ये खूनी नहीं है, खूनी अभी नहीं है। दीपक के बेगुनाही का गवाह एक ही आदमी था, अविनाश, लेकिन वो भी ना जाने कहां गायब हो गया। दीपक को उम्र कैद की सजा हो गई। फिर एक दिन राजन भैया ने बताया कि अविनाश वापस आ गया है। राजन तुम्हारे भाई हैं? नहीं, पुलिस में काम करते हैं, उन्हें दीपक का सारा केस मालूम है। उनका कहना है कि अगर अविनाश की याददाश्त वापस आ जाए और वो कोर्ट में गवाही दे दे तो मेरे पति को छोड़ दिया जाएगा। राजन भैया के कहने पर मैंने ये सारा नाटक किया। आई एम सॉरी अलका, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब तुम बताओ क्या करें ताकि तुम्हें अविनाश, मुझे दीपक और पुलिस को उनकी फिल्म मिल जाए। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। हाँ, लेकिन एक आखिरी कोशिश की जा सकती है। क्या? अविनाश के साथ जो कुछ हुआ वो सुमित के जन्मदिन पर हुआ। अगर हम वही सीन दोबारा दोहराएं उसी तरह जैसे उस दिन हुआ था तो शायद दिमाग के सोए हुए हिस्से में कुछ लहरें पैदा हों और अविनाश की आदर्श वापस आ जाए। थैंक यू। हरनाम आया सर। हरनाम भेज दो से। आओ हरनाम, आओ हरनाम उर्फ जफर और आजकल इंस्पेक्टर राजन। ओ, तो तुम्हें सारी खबरें हैं? अरे भाई, तुम हमारे बारे में पूरी खबर रखते हो और हम तुम्हारे बारे में, और फिर हिंदुस्तान में दो ही तो बदमाश हैं जिनका नाम इज्जत से लिया जाता है, प्रताप और हरनाम। थैंक यू। बोलो क्या काम है? मैं अविनाश को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। मैं लंगड़े घोड़े नहीं खरीदता हरनाम। क्या मतलब? मैं जानता हूँ अविनाश अपनी याददाश्त खो चुका है, वो मेरे लिए एक लंगड़ा घोड़ा है जिसे गोली मारने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। कहो तो दो गोलियां पेश करूं, एक उसके लिए और दूसरी तुम्हारे लिए। तो ठीक है, मैं अविनाश को पुलिस के हवाले कर देता हूँ, लेकिन पुलिस के पास उसकी याददाश्त वापस आ गई तो समझदार को इशारा काफी है। ठहरो, कितने में सौदा करोगे? 5 लाख। 50,000। 50,000 तो पुलिस भी दे देगी। चलो 1 लाख। डन। अविनाश कहाँ है? जल्दी करो अलका, हमारे रेडी होने से पहले अगर अविनाश वापस आ गया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं, यहाँ तक कि कैंडल्स भी जला दिए हैं। बंद करो ये सब कुछ। प्रैक्टिस हो रही है। तुम रेडी हो? रेडी। रेडी। 1, 2, 3। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। हाय 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 हाय, तुम लोगों ने तो पकड़ लिया, मैं क्या पकड़ूं? Stop it, leave me. वो आ गया, जल्दी करो, everybody take positions, हरी अब। जल्दी।
हाँ।